हेलो दोस्तों, के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक टेक न्यूज़ की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एडसेंस की तरफ से आया है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। एडसेंस जो गूगल का एक कंपनी है, राइट, जिसके थ्रू बेसिकली हम क्रिएटर्स, बेसिकली यूट्यूब क्रिएटर्स या आप कह सकते हो ब्लॉगर, या हमारी अपनी ब्लॉग या वेबसाइट है जिसपे हम ऐड सर्व करते हैं, राइट, तो उसके लिए एडसेंस अप्रूवल लेना होता है। उस पॉलिसी में गूगल ने कुछ चेंजेस लाए हैं। तो पहले क्या था कि जैसे आपका कोई एक वेबसाइट है, ब्रांड अकाउंट है, जैसे मेरा एक के जावा ट्यूटोरियल्स है, तो यहाँ देख सकते हो कि गूगल के एडसेंस से एड्स यहाँ आ रहे हैं, राइट, क्योंकि इस अकाउंट के लिए यहाँ देख सकते हो बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। तो ये मेरा ब्रांड अकाउंट है जिसका अप्रूवल मुझे मिल चुका है और मैं ऐड यूनिट्स क्रिएट करके एडसेंस में और यहाँ ऐड लगा सकता हूँ और इससे पैसे, थोड़े बहुत पैसे कमा सकता हूँ, राइट। तो पहले क्या था, रूल ऐसा था कि आप एक अकाउंट के लिए, एक वेबसाइट के लिए आप एडसेंस अप्रूवल ले लेते हो तो उस वेबसाइट पे एड्स तो लगा ही सकते हो, बाकी आप किसी भी वेबसाइट पर ऐड लगा सकते हो उस एडसेंस अकाउंट के थ्रू, राइट। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा था, जैसे बहुत सारे लोग एक ब्रांड अकाउंट का अप्रूवल ले लेते थे, राइट, और बाकी बहुत सारे छोटे छोटे उनके वेबसाइट्स था जिसमें स्पैमिंग के थ्रू और बहुत 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 अलग ट्रिक्स के थ्रू वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे, जो बेसिकली एडवर्टीजमेंट कंपनी के लिए बेसिकली वो सही नहीं था। और गूगल गूगल जो एडवर्टीजमेंट कंपनी है जिसका टाई अप है उनके साथ, जिसके जिसके लिए जो एड गूगल एडसेंस सर्व कर रहे हैं, राइट, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही बिल्कुल नहीं था। तो इसके लिए गूगल ने थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और रूल को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करने जा रहा है। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, आप जाएंगे ये पेज, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इस न्यूज़ को बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ इनिशियली उन्होंने कुछ डिटेल्स दिया है, कॉमन बातें दिया है कि लास्ट 15 ईयर से एडसेंस हैज़ ग्रोन टू सपोर्ट वे पब्लिशर बाई कनेक्टिंग देयर ऑडियंसेस टू एडवर्टाइजमेंट, और बाकी कॉमन बातें हैं जिसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, व्हाट्स चेंजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एक ब्लॉगर हो, राइट, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर द न्यू पॉलिसी, राइट, जो 29 अक्टूबर 2018 को पब्लिश हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि आप एक ब्लॉग के लिए एडसेंस अप्रूवल ले लेते हो, राइट, तो आप उसके लिए आप ऐड उस पर ऐड लगा सकते हो उस जो अप्रूवल वेबसाइट है उसके लिए। लेकिन आप चाहते हो कि दूसरे वेबसाइट पर भी ऐड डालना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एडसेंस में जाके, राइट, एडसेंस में जाके अभी आप देखेंगे लेफ्ट पैनल में, नेविगेशन पैनल में माई साइट्स होता है, राइट, उसको आप रीनेम उसको गूगल आप क्या कर रहा है, रीनेम कर रहा है, साइट्स कर रहा है, तो आपको माई साइट नहीं देख के आप साइट्स दिखेगा। और यहाँ पे आप जिस वेबसाइट में, जो आपका ब्रांड अकाउंट है, उसके अलावा जिस छोटे छोटे वेबसाइट है या दूसरे का वेबसाइट है या आपका वेबसाइट है जहाँ एड्स डालना चाहते हैं, तो उसको आपको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद क्या होगा कि गूगल के एम्प्लॉय उसको रिव्यू करेंगे मैनुअली, राइट, और मैनुअली रिव्यू करने के बाद वो चेक करेंगे कि एडसेंस के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली उस वेबसाइट फिट बैठता है कि नहीं। इनकेस वो रिव्यू में पास कर देते हैं तो आपका स्टेटस क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो कि स्टेटस टर्न आउट हो जाएगा रेडी स्टेट में। जैसे ही रेडी हो गया तो आप उस पर एड्स लगा सकते हो, राइट, एज पर द न्यू पॉलिसी। पहले क्या था कि एक ब्रांड अकाउंट में आपको अप्रूवल मिल गया तो किसी भी अकाउंट में जाके, किसी भी वेबसाइट में जाके या ब्लॉग में जाके आप डायरेक्टली ऐड यूनिट्स क्रिएट करके ऐड डाल सकते थे, लेकिन एज पर द न्यू पॉलिसी आपको साइट्स में जाके अपने वेबसाइट्स को ऐड करना होगा। फिर गूगल के इम्प्लॉय उसको मैनुअली रिव्यू करेंगे, वो देखेंगे कि पॉलिसी के अकॉर्डिंगली फिट बैठता है, देन आप क्या कर सकते हो, ऐड यूनिट्स लगा सकते हो, राइट। तो यही एक छोटा सा यूनिट था एडसेंस से रिलेटेड। होप है आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल के हिंदी ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज़ तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना ही करते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि मेरा जो मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाता है। तो ऑफकोर्स मैं हर दिन एटलीस्ट 1 से 2 वीडियो अपलोड करता हूँ, टेक रिलेटेड, बहुत सारे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा हौसला और बढ़े। थैंक यू सो मच।